हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो जी, बहुत दिनों के बाद आज मेरी वीडियो आ रही है और काफ़ी सारे लोगों को ये भी शिकायत होगी ना, या फिर ये भी जानना चाहते होंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के दिमाग में तो ये गलत फहमी होगी कि चाची 420 का कॉन्टेंट लेकर मैं घूमती हूँ तो इसीलिए अभी मतलब वहाँ से कोई मसाला नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाची 420 का ब्लॉग रोज़ ही आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो रोज़ ही रोस्टिंग कर सकती हूँ, रोज़ ही रिएक्शन दे सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी हूँ। और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा चाची 420 के बारे में बात करते हैं। चाची 420 आजकल आप लोगों को पता ही है कि डेली जो है वो व्लॉगिंग कर रही है और अपने रेगुलर जो है वो डाल ही रही है जो भी अपने ब्लॉग्स हैं। अच्छा, वो कहना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो कुछ कह नहीं सकती लोगों के सामने, सोशल मीडिया पर कुछ कह नहीं सकती, तो उसकी ज़ुबान तक बातें आते आते रह कर जो है वो वापस हो जाती हैं, क्योंकि वो लोगों को कहना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं पाती बेचारी। चलो, जैसे भी कहती है, इनडायरेक्ट तरीके से भी। अच्छा, एक बार चाची 420 ने कही थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में ले लो, चाहे नेगेटिव वे में ले लो, जैसे मर्जी लो। देखो, कोई चाची 420 कोई मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मेरा बहुत कुछ उसने बिगाड़ा है इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काम है रिएक्शन देना। वो जब भी कुछ ऊट पटांग हरकतें करती है तो हम रिएक्शन देते हैं, सीधी सी बात है। या फिर जब भी कोई झूठ पब्लिक के साथ बोलती है तब हम रिएक्शन देते हैं, हम बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा जो व्लॉग है, जो मेरी वीडियो है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ, वैसे तो कमेंट करके भी कह देती हूँ लेकिन सुनते नहीं है ना बेचारे। तो यार, अगर मेरी वीडियो बोरिंग होती है तो आप लोग मत देखा कीजिए। किसने बुलाया आपको वीडियो देखने के लिए बताओ मुझे, मैं इन्विटेशन देती हूँ क्या, आओ और मेरी वीडियो देखो? नहीं ना, तो फिर ऐसा ही है। और हो सकता है कि अभी मैं यूट्यूब में थोड़ी बहुत ही वीडियो डालूँ क्योंकि मैं किसी और काम में बिज़ी हूँ। तो हाँ, क्या बात हो रही थी कि मेरे को एक चाची 420 की एक बात बहुत बुरी लगी थी कि जिसमें इसने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं पहले भी बेवा थी और अब भी बेवा ही रहूं। तो नहीं, ऐसा नहीं है आंटी जी, ऐसा नहीं है ना। हम नहीं चाहते कि आप पहले बेवा थी और अभी भी बेवा रहें। ऐसी मतलब कोई भी बात नहीं है। देखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यों बोलते हैं, आपकी हरकतों की वजह से बोलते हैं। जो भी आप करती हो, जो अच्छी नहीं होती बातें, उनके लिए हम बोलते हैं। बाकी आप हस्बैंड के साथ रहो नहीं रहो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम तो यही चाहते हैं। अभी चलो, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोला है कि अच्छी बात है अगर आप दोनों एक हो गए, लेकिन उन सारी चीज़ों का दिखावा मत करो। अगर तुम्हारा हस्बैंड आ भी गया तो तुम मतलब ऐसे उसको लेके घूमती हो कि जैसे सिर्फ तुम्हारे पास ही हस्बैंड है, या फिर तुम दोनों न्यूली मैरिड हो, या मतलब। तो ये सारी चीज़ें इस उम्र में आके जो है वो दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा ये कोई तुम्हें मतलब तुमसे उसे छीनने वाला नहीं है, उल्टा तुमने ही किसी और का पति छीनना है। ठीक है, तो ऐसी बातें तो ना ही करो कि लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज तक लोग तुम कहते हो कि लोगों ने तुम्हें बदनाम किया, ये किया, तो लोगों ने तुम्हें बदनाम नहीं किया, तुम खुद बदनाम हुई हो कुछ ऐसी चीज़ें करके जिसकी वजह से तुमने बदनामी का रास्ता चुना। थोड़ी बहुत रही सही कसर तुम्हारे हस्बैंड ने पूरी कर दी, पूरी दुनिया में तुमको बदनाम कर दिया। तो इन सारी चीज़ों में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ें हम लोगों को बताई गई, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर रिवील की गई, हम तो वही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब अगर पूछना ही है, किसी ने बदनाम अगर तुम्हें किया है तो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने किया है। ठीक है, तो दूसरों को या फिर पब्लिक को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे 1 मिलियन हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। और हाँ, एक और बात, तुमने कहा कि मेहनत लगती है। यस, आई अप्रिशिएट यू कि मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, वीडियो बनाने में। इवन अगर तुम इंस्टा पर रील्स बना रही हो उसके लिए भी मेहनत लगती है। सच में ही मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो चीज़ है वो रहेगी, ठीक है ना। उस चीज़ को मैं गलत नहीं, क्योंकि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मेहनत लगती है, हम भी मनाते हैं, हमें भी पता है। लोगों को क्या लगता है या तुम्हें भी क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी नाम की वीडियो बना रहे हैं या फिर तुम्हारा कॉन्टेंट उठा के डालते हैं? बेशक हम उठाते हैं, लेकिन उसमें मेहनत हमारी है। छोटी छोटी चीज़ें, तुम्हारी गलतियां पकड़ना, या फिर हर टाइम तुम्हारे ऊपर स्पाई करना, तुम किस टाइम पे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, इन सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, मैं मानती हूँ। ठीक, देखो, मैं तो खुला बोलती हूँ, कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, मैं तो खुला बोलती हूँ कि हाँ होता है भाई, हम भी करते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और रही बात वो बदनामी की या फिर किसी चीज़ की, और तुम कहते हो ना मैंने किसी को नहीं किया, मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, किसी के बच्चों के, तो ये सब बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुमने किया है। तुम लोगों को उंगलियां करती थी, तुम लोगों के बच्चों के लिए भी तुमने बोला है, ऐसा नहीं है कि तुमने नहीं बोला। तुम बराबर के हिस्सेदार हो, अगर सामने वाले ने बोला है तो तुमने उन्हें पोक किया है तो बोला है, ठीक है। अगर तुम ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो और कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग, अगर तुम आधे घंटे का भी या 15 मिनट का भी एक ब्लॉग बना के डाल दो ना, जिसपे तुम ये एक्सेप्ट करो कि जी हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सॉरी कि तुम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि तुमसे भी कोई गलती हो सकती है। अगर तुम ये एक्सेप्ट करो कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने काफ़ी सारी बातें पब्लिक को झूठ बोली हैं, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं थी वो मैंने बोली हैं, अगर ये सारी चीज़ें बैठकर अगर तुम एक ब्लॉग बनाओगे ना, तो हो सकता है कि लोगों की नज़रों में तुम सही हो जाओ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तुमसे नफरत सिर्फ इसलिए करते हैं कि तुम झूठ बोलती हो, पब्लिक को झूठ दिखाती हो, बाकी लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे इससे ज़्यादा बोलना नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक नया बिज़नेस शुरू किया है और मेरे पास 100% जो है वो ट्रस्टेड वर्क है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से बचे रहें आप। और अगर कहीं अपनी मेहनत की कमाई लगानी है, छोटा बहुत अमाउंट लगाना है, तो अच्छी चीज़ पे, हर कोई इसको कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं जो भी करना चाहें। और थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि एक ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलेट मार्केटिंग है। तो अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है himachalwalikudi07, और उसके बाद ही मैं आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे समझा पाऊँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे DM ज़रूर करें।